अमिताभ बच्चन होस्टेड क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। 7 अगस्त 2022 से शुरू हुए इस शो में कंटेस्टेंट अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रहे हैं। शो के दौरान बिग बी अपनी पर्सनल बातों के साथ कंटेस्टेंट से भी दिलचस्प बातें करते नजर आ रहे हैं। इस सीजन को भले ही अभी तक कोई करोड़पति ना मिला हो, लेकिन अब तक कई लोग शो से लखपति बनकर गए हैं। वहीं गुजरात के विमल भी केबीसी से लखपति बनकर गए हैं। विमल शो से 25 लाख रुपए की बड़ी रकम जीत कर गए हैं, लेकिन वो 50 लाख रुपए के सवाल पर अटक गए। आइए जानते हैं क्या था वो 50 लाख रुपए का सवाल। केबीसी 14 में गुजरात के विमल ने अपनी धमाकेदार खेल से ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि बिग बी को भी इम्प्रेस किया। 25 लाख रुपए के सवालों का जवाब विमल ने बड़े ही समझदारी से दिया, लेकिन 50 लाख के सवाल पर वो अटक गए। बिग बी ने 50 लाख रुपए के लिए विमल से ये सवाल पूछा था, इनमें से किस भारत रत्न विजेता का जन्म और मृत्यु दोनों भारत के बाहर किसी देश में हुई थी? इसके ऑप्शन हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी मदर टेरेसा, डी जेआरडी टाटा। आपको बता दें कि खेल के दौरान विमल ने अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बिग बी को बताया कि उन पर 9 लाख रुपए का कर्ज है। ये बात बताते हुए विमल काफी भावुक हो गए थे। विमल ने कहा कि यहां से जीती हुई रकम से सबसे पहले वो अपना 9 लाख रुपए का कर्ज चुकाएंगे। और आइए अब जानते हैं कि इस 50 लाख रुपए वाले सवाल का जवाब क्या था। इसका सही जवाब है डी यानी जे आर डी टाटा।